मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। इस समय हम मौजूद है मुंबरा के खड़ी मशीन डैम पर, और जिस तरीके से दो दिन से लगातार डैम का जो मुद्दा है वो गर्माते जा रहा है, लेकिन ये मुद्दा राजनीति अभी तक पकड़ी नहीं है ये मुद्दे पर। और यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो इससे पहले हमने खबर में आपको बताया था कि जो बच्चे है वो नहाने आते हैं और जबरन जो है ट्रस्टियों द्वारा उन्हें मारा जाता है, ऐसा उनका आरोप लगा था। लेकिन हमने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर जो है बच्चे अभी भी मज़ा ले रहे, लेकिन पेरेंट्स से जब पूछा जाता है तो वो घुमा फिरा देते और जो है अलग मुद्दा बताने लगते हैं। लेकिन यही सब मुद्दे को हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो बच्चे है वो ऊपर चढ़ते हुए नज़र आ रहे, जब यहाँ के ट्रस्टियों द्वारा मना किया जाता है तो ये बच्चे ऊपर आकर के फिर जब ट्रस्टी थोड़ा नीचे जाते हैं ये वापस से उसी डैम पर कूद जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर नहाने चले आते। ठीक है, मज़ा लेना है, बारिश का बरसात का मज़ा लेना है तो डैम पर आके नहाइए, लेकिन ये नहाना किस तरीके से इनकी जान को जोखिम में डाल सकता है ये सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि मुमरा कौसा में और कोई जगह भी नहीं है घूमने फिरने की, तो ये लोग जो है बारिश का मज़ा लेने इस डैम पर नहाने आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ट्रस्टी मौजूद है दरगाह के, बात करेंगे इनसे। जी हजरत, जैसे पेरेंट्स का ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप बच्चों पर जुल्म कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो और इन बच्चों को जो है आप लोग दबाव डलवा रहे हो कि जो है जबरन आप लोग नहाने जा रहे हो, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, अब कसम तो मैं खाऊं या नहीं खाऊं, झूठी तो मैं खाता नहीं, अल्लाह की कसम, हम लोग बच्चों को प्यार से बुलाते कि आप नहाओ मत, बस यही हमारा मकसद है, और निकाल देते प्यार से। अब वो पेरेंट्स को राजनीति में जाके कुछ हमारी बदनामी कर रहे, तरश की बदनामी कर रहे, ये कर रहे, तो अल्लाह उनको खैर करे, हमारा उसका क्या बोलेंगे अभी उसके लिए। हम तो यही चाहते कि बच्चे सिर्फ यहाँ पे नहावे नहीं। देखो अभी आपके सामने भी ये बच्चे नहा ही रहे थे, कोई हम लोग ने जबरदस्ती कपड़े नहीं निकाले, कुछ नहीं, कुछ ना, हमारा काम ही नहीं है, हम क्यों कपड़े निकालेंगे किसी के राजनीति करने का, तो अपना कोई दूसरी जगह पे करो, ऐसी मौत के खेल में मत करो ना बच्चों के साथ में राजनीति, मेहरबानी करके। नहीं, आप जैसे आप अपना काम बखूबी कर रहे हो, बच्चे भी जो है वो बच्चे नहाने का एंजॉयमेंट के लिए वो आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक प्रशासनिक लोगों का कहना है कि बाउंड्री वॉल बना दिया गया था, जाली लगा दिया गया है ताकि बच्चे आ नहीं सके, सिक्योरिटी गार्ड तैनात नहीं है, तो इस पर राजनीति कब होगी जो इन बच्चों की जान से जो है खिलवाड़ होना बंद हो जाएगा? यहाँ पे कोई बाउंड्री बिंड्री कुछ भी नहीं, आपके सामने देख लो तार लगी है, छोटी मोटी तार भी लगी है, कुछ ऐसी बाउंड्री बिंड्री कुछ नहीं है, कोई वॉचमैन नहीं, कुछ नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने को राजी नहीं, तार लगा दिए बोले जिम्मेदारी हो गई, अब वो कोई मरे या कुछ हो गए उसकी हमारी कोई जिम्मेदारी। नेक्स्ट वीडियो, पहले के जो साल के वीडियो आप देख लो, कौन कौन नगर सेवक लोगों ने क्या क्या बोले, आप वो भी एक रिपीट करके देख लो ना, तो हम लोग जिम्मेदारी ले रहे तो कि गुनाह कर रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं क्या बोलो आप लोग, फिर ट्रस्टी को बुरा बोलेंगे, कुछ न्यूज़ वाले को लाके उनको बोल के हमारी बुराई करवाएंगे, तो ये भी तो गलत बात है ना, ऐसा मत किया करो ना, मेहरबानी करके। तो ये जो बच्चे है ये जब आप पकड़ते हो तो इनके माँ बाप को आप कहते हो या इनसे संपर्क करवाते हो कि आपके माँ बाप कहाँ है या क्यों आप नहाने हो? एक भी बच्चा इसमें से कोई बोलता नहीं कि हमारे पास नंबर है कि कुछ है, हमारे माँ बाप के पास नंबर नहीं है, फ़ोन नहीं है, इनके जेब में खुद नंबर फ़ोन नहीं रहता है, नहाते भिगते रहते, तो इनके खुद सब झूठ बोलते। और गए वीडियो में उनके जो समीर भाई है वो बोल रहे कि धूप में इतनी कड़ी धूप थी हो, और वो बोल रहे कि हमारे बच्चे भीगे हुए थे, जबरदस्ती कपड़े निकाले, ये निकाले, ये सब हमारे धंधे नहीं है, ये हमारा काम ही नहीं है, हम लोग ये काम ट्रस्ट वाले, हर ट्रस्ट किसी की भी मदद करने को चाहता है, ऐसे धंधे करने का कोई ट्रस्ट ऐसा कोई सोचती नहीं, और कोई ट्रस्ट ऐसी बनती भी नहीं है, ट्रस्ट होती है कि लोगों की मदद की जाए। तो हमारी भी दरगाह ट्रस्ट है, यहाँ लोग मर रहे हैं हमारे दरगाहों पे, माँ बहन लोग आते हैं रोते हैं, मरने वाले लोग, आज भी वो 10 लोग के घर वाले हमारे कॉन्टेक्ट में, हम लोग उनको सब्र इलाज देते रहते, और उन लोग भी हमको बोलते रहते कि भाई ये तुम लोग करते रहो, हमारे दूसरे कोई बच्चे नहीं मर जावे, और जो वीडियो हम लोग ने वायरल किए थे, उठबैठ कराए थे, उनके भी दूसरे जो बच्चे लोग के घर वाले हमारे घर पे आके हमको ये किए, शुक्रिया अदा किया, और उनके बच्चों को खूब उन लोग ने सजा दिए, क्या दिए भी उनको ही मालूम। अब ये राजनीति करके एक दो जने चरस बेचने वाले, समीर जो है वो तो खुद बटन बेचता है, कॉरेक्स बेचता है, और वो किसी के राजनीति के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहा है, तो ऐसा अल्लाह जानता है को क्या किया, अल्लाह इज्जत देने वाला और अल्लाह बेइज्जत देने वाला है, तुम्हारे बोलने से कुछ होने वाला नहीं। मेरा खड़ी मशीन डैम पर जो बच्चे नहाने आ रहे, बच्चों की गलती नहीं है, इनके माँ बाप की गलती है, बड़े ही बेशर्मी के साथ जो है जो बच्चों को पकड़ा जाता है तो उनके माँ बाप जो है उल्टा आरोप इन्हीं पर लगाते हैं, ये सबसे बड़ी बेशर्मी की बात है कि पेरेंट्स जो है अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हुए नज़र नहीं आ रहे, बच्चों को जो है भेज देते हैं एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन जब हादसा पेश आता है तो TMC को दोष देते हैं, स्थानीय कॉरपोरेशन को दोष देते, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमारे बच्चे की भी गलती होगी, वो भी जो है नहाने चले गया होगा। इतना हम लगातार वीडियो के जरिए पिछले साल से लेकर के अभी तक जो है अपील करते हुए नज़र आ रहे, लेकिन यहाँ पर बच्चे जो है सुन नहीं रहे और उनके माँ बाप के कानों में जू तक रेंग नहीं रहा है। अब ये देखते हैं, बाउंड्री वॉल का मसला है, वॉचमैन का मसला है, इसको लेकर के जो स्थानीय पिछले साल पॉलिटिकल पार्टी जो है गरमाई हुई थी और यहाँ पर आकर के वॉचमैन लगाया गया था, वॉचमैन लगाने के बावजूद जो है लोग नहा रहे थे, लेकिन अभी भी वही मसला है कि अभी भी नहा रहे, तो ये नहाना जो है कब बंद होगा ये सबसे बड़ा सवाल है।
आप मेरे पीछे देखेंगे ये भी एंजॉयमेंट के लिए लोग यहाँ पर आते हैं, फैमिली लेकर के आते हैं, लेकिन एंजॉयमेंट अपनी जगह ठीक है, बारिश का मजा लेना है, लोग जो है पहाड़ियों पर आते हैं और अच्छा क्लाइमेट व्यू मिलता है उन्हें, लेकिन इन्जॉयमेंट के चक्कर में अपनी जान को ना जोखिम में डाले, ये सबसे बड़ा विषय है। और क्या कहना चाहेंगे? और मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे अफजल भाई कि आपने जो न्यूज़ दिए थे कि हमारे विरुद्ध में कि जो बच्चे लोग को मारे भी रहे, हमारा बहुत दिल ट्रस्टी लोग का दिल दुख गया था, पर आपके अभी यहाँ पे आने से हमारे को एक दिल से वापस एक हिम्मत मिल गई है ना। आपके आने से यहाँ पे हमारी हिम्मत सब टूट गई थी, पर आपके यहाँ पे आने से हमारी फिर से हिम्मत मजबूत हो गई हम लोगों की, और फिर से हम लोग ये काम पे लग जाएंगे इंशाल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए, हमारी हिम्मत को बढ़ाए और हम लोग फिर ये बच्चे को मरने से डूबने से हम लोग बचाने की कोशिश करेंगे। स्थानीय राजनीति अब देखते हैं क्या गरमाती है, क्योंकि विवाद तो हो गया है इस डैम को लेकर के, लेकिन राजनीति नहीं हुई है। देखते हैं ये राजनीति कब होती है और डैम पर अब जाने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू होता है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। कैमरामैन समझ शेख के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी मुमरा।